ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां इमरान खान ने कहा है कि अन्य व्यवहार पार्टियों को एनसी और पीडीपी से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन्हें भाजपा के लिए प्रॉक्सी के रूप में दोष देना है। जन भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पीडीपी का मुख्य एजेंडा रहा है, लोगों की आकांक्षा नहीं है। देख रहे एबी न्यूज और मैं बरहा रशीद। आने वाला इलेक्शन है, होने वाला है इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लगातार जो है गवर्नर राज रहा है यहाँ पे। अब जो है कहा जा रहा है कि इलेक्शन होने वाला है। अब जो है पॉलिटिकल प्रोसेस जो है अब शुरू हो चुकी है। लोग सियासी जो है वो अब लोगों के सामने जा रहे हैं और अपने मुद्दे जो है वो रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो एक दूसरे पार्टियों पर इस वक्त निशाना जो है आयद कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इमरान अमीन शाह, जो कि आज अभी इंडिपेंडेंट है, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनको ताल्लुक नहीं है, लेकिन कई दिनों से लगातार अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो है जम्मू कश्मीर में इस वक्त पैदा हो चुकी है और कहाँ जो है हमारी जनरेशन पहुँच चुकी है। डायरेक्टली हम बात करेंगे। सबसे पहले सर खैर मकदम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ दिनों से लगातार अनंतनाग का दौरा कर रहे हैं, कई जिलों का, आपने कल भी आप दालगामा में थे, तो लोगों के सामने आप बात कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा, वो मकसद क्या है आज जो फिर से शुरू हो चुका है? लोग चाहते हैं यहाँ पे, जब हमने कल अपने इलाके में हम गए, जो हमारा नेटिव विलेज है दालगाम, तो हमने वहाँ बात की और लोगों के साथ हमने वहाँ पे हम मिले। वहाँ पे कुछ मस्तूरात भी आई थी, कुछ लेडीज़ थी, कुछ मर्द भी आए थे और कुछ यूथ का भी वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, और उन्होंने ग्राउंड लेवल में जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने वो डिस्कस की। वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है और पावर का इशू है, पानी का इशू है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नुमाइंदे बनाए थे, पंच, सरपंच और डीडीसी मेंबर, तो बेसिक लेवल में वो चाहते थे कि ग्राउंड में कुछ काम हो, लेकिन डीडीसी बनने के बाद जो नुमाइंदे बने वो लोगों में नहीं आए हैं। उन्होंने लोगों के साथ कोई बात नहीं की है और लोगों के मसले उजागर नहीं किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कल वो लोगों के पास आके अब वोट फिर से मांगेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, एनसी से, पीडीपी से, अपनी पार्टी से, बीजेपी से, तो मुझे नहीं लगता वो कल लोगों में आ पाएंगे। और आर्टिकल 370 रिवोक के बाद, आर्टिकल 37 और 35A रिवोक के बाद, जब MLA बंद हुए और जब उनको छोड़ा गया तो वो लोगों में नहीं गए। लोगों ने कहा कि उसके बाद हमारा नुमाइंदा जो XML था हमने उसको नहीं देखा, खाली तब तक वो था जब तक वो इक्तदार में था, चाहे वो अपोजिशन में था चाहे वो सरकार में था, उसके बाद लोगों ने किसी MLA को, किसी मिनिस्टर को नहीं देखा। इमरान शाह साहब, आपने जो DDC की बात की, अगर मैं कहूँगी कि सरकार ने एक कहा था कि ये 3-tier सिस्टम जो था उसको हमने कंप्लीट करा है DDC इलेक्शन के बाद, आपको लगता है कि DDC इलेक्शन जो DDC बने उनको जो है वो पावर्स दिए गए, उनको जो काम करने के लिए जो उनको कहा गया था वो हो चुके हैं ग्राउंड लेवल पे, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज जो है DDC जो मेंबर बन चुके हैं नज़र नहीं आ रहे और काम जो है वही पे वही है, कोई बदलाव जो है उस DDC इन 3-tier सिस्टम जो बताया जा रहा है इससे नहीं है, आपको क्या लगता है सर? देखिए, इसमें मैं एक बात सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि उन्होंने कहा कि बेसिक लेवल में हम ये उनका जो पावर है हम वो बेसिक लेवल में ले, ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड लेवल मीन्स हम उनको दे देंगे पांच सरपंच और DDC को, लेकिन बाद में जो हुआ वो उसके बरक्स अगेंस्ट हो गया। लेकिन जो मैंने सुना, जब मैंने सरकार से बात की, जब मैंने अफसरों से बात की, मैंने सुना कि पर जो एक DDC मेंबर है उसको 1 crore दिया गया, लेकिन उसको टेंडर निकले, जब टेंडर निकले तो ठेकेदारों ने टेंडर डाले, उन्होंने काम लिया, तो जाहिर सी बात है वो अगर वो करोड़, 1 crore उसको देते वो अपने वर्करों को दे देता, तो उस टाइम से उनको वो दिलचस्पी ही नहीं रही, क्योंकि हर एक चाहता है कि मैं अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं मैं उनको ही मदद करूं, तो वो कर नहीं पाए, इसलिए उनको तवज्जो ही नहीं रही और वो मर, लेकिन लोग सफर कर रहे हैं इस चीज़ से। अगर उनको टेंडर हो गए काम में, लेकिन कम से कम उनको उजागर करने हैं, उनको जाना है, रोड का है मसला है, जो भी ठेकेदार वो काम करेगा करने दो उसको, लेकिन कम से कम लोगों के मसले तो उनको उठाने हैं ना। इमरान साहब, एक बात करेंगे कि आप PDP से ताल्लुक रखते थे, फिर आपने PDP से जो है रिजाइन दिया, लेकिन क्या वजह रही कि PDP से आपने जो है दूरियां इख्तियार की? मैंने PDP को मैंने छोड़ा नहीं, मतलब मैं खुद ही वहाँ से निकल गया, और मैंने जो बेसिक मैं फाउंडर था यहाँ पे, मेरी जब मेंबरशिप यहाँ पे जब हमने ड्राइव की 2001 में, मेरा 0001 था, बेसिक फाउंडर था मैं यहाँ पे PDP में, पहले सबसे पहले, ये महबूबा जी को भी पता था, ये मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को भी पता था, मैं यहाँ पे फाउंडर रहा हूँ PDP का, और बेसिक मैंने यहाँ पे उनको बुनियाद डाली है PDP की,
और जो बेसिक मेंबर है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलत हुआ है ग्राउंड में, वर्करों के साथ नाइंसाफी हुई है, और अपने जो इनके अपने थे, चाहने वाले थे, अपने रिलेटिव रिश्तेदार, उनको ठेके अलाट हुए, उनको नौकरियां दी गई, तो मैं वो कोर्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, क्योंकि वो गलत बात है किसी को ये अटैक करना। मुझे पता है किन लोगों को किया है, वो मेरी नॉलेज में है किन किन को किया है, लेकिन मैं आपकी यहाँ पे नहीं बताना चाहता उनका नाम। सब आपने भी रिजाइन किया इस वक्त, जब बहुत से जो देखेंगे पीडीपी से बाहर निकल गए और वो जो है बाकी पार्टियां इस वक्त ज्वाइन करे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीडीपी ने उनके साथ, अगर हम दूरू की बात करें वहाँ पे बशीर अहमद साहब थे, वो भी पीडीपी से ताल्लुक थे, उनने भी पीडीपी को टारगेट बनाया कि जो हमें उनने पीडीपी को दिया वहाँ से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इस तरीके से आज जो है अब लगातार लोगों के सामने तो जा रहे और ये निशाना आयद करें कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें चाहे वो पीडीपी की बात करें, उन्होंने जो है खूनरेजी जम्मू कश्मीर में पैदा कर दिए, जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ पीडीपी की सिवा। सर इस वक्त सबसे पहले जो 2010 में यहाँ पे जो तबाही के जिम्मेदार है यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स है। उन्होंने साहब अभी तो जो आप आज़ाद हो, लोगों के सामने जा रही हो, लेकिन लगातार पीडीपी पे भी निशाना आयद कर रहे हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों की, अगर अपनी पार्टी की बात करें उसको बी टीम बताया जा रहा है, पीपल कॉन्फ्रेंस को सी टीम बताया जा रहा है, पीपल मूवमेंट को, जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट को डी ए टीम बताया जा रहा है, तो अब क्या लगता है कि आगे किसका रवैया होगा कि किसके साथ आप ज्वाइन करेंगे? सबसे पहली बात है मैं पीडीपी के साथ 18 साल था, तो मैंने खुद किनारा कशी अख्तियार की और मैं इंडिपेंडेंट उठा यहाँ पे, और आपको भी पता है उस टाइम शायद आप भी मेरे पास आए थे, मैं रनर अप बन गया यहाँ पे, सेकंड पोजीशन मैंने हासिल की, और जवानों ने यहाँ के जो आवाम ने उन्होंने मुझे साथ दिया, खुदा का साथ था मुझे, मैं सेकंड नंबर पे आया और मेरी फाइट जो थी पीएजीडी के साथ थी, ग्राउंड लेवल में वर्करों ने काम किया और वोट आए, हर बहुत सारे बूथों पर मैंने सबकत हासिल की, पहले नंबर पर था मैं, और सबको उस टाइम लगता था कि इमरान शाह जीतने वाला है, ये पीएचडी को फाइट दे रहा है, लेकिन एक बात है जो पीडीपी और एनसी के साथ नहीं जाएगा उसको वो टैग देते हैं कि पीसी बीजेपी की है, अपनी पार्टी बीजेपी की है, पीपल्स मूवमेंट बीजेपी की है, इसका मतलब है कि हमें दो ही पार्टियों में जाना है, या पीडीपी या एनसी के साथ, क्योंकि ये वही खानदानी राज, वही चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ ही रहें। अगर इमरान शाह किसी और के साथ जाता है उसको बोलते हैं ये बीजेपी का नया रूप है। ये लोगों को, ये जवानों को पता होना चाहिए कि अगर हम कोई थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं, जैसे आज़ाद साहब इस टाइम है, वो भी जा रहा है, वो भी अलग मीटिंग कर रहा है, इसका मतलब है कल उसको टैग दे देंगे कि ये बीजेपी का है, लेकिन वो नहीं होता है ग्राउंड। ये एक किस्म की छवि, एक किस्म की इमेज खराब करना चाहते हैं बंदे को, क्योंकि जो लोगों में जाता है अवेयर करता है, मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपके पास 2 साल से एमएलए नहीं आया है, कल आप किस तरह उसको वोट दे दोगे? तो मुझे टैग दे देंगे जरूरी, ये जाहिर सी बात है। जना साहब अगर हम बात करेंगे आखिर में, एक सौ क्वेश्चन है कि आर्टिकल 370 और 35 के बाद खत्म होने के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल बनी जाए जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट अपनी पार्टी, तो आखिर में ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है कश्मीर जम्मू कश्मीर में ही क्यों जन्म ले रही है, क्यों नहीं हुई पॉलिटिकल पार्टियां बन रही है, जो कि दूसरे पार्टियाँ जो पुरानी पार्टी है वो अब नई पार्टियों पर निशाना आयद कर रही है? हर एक चाहता है यहाँ पे कि अपना ही खाता खोले, हर एक चाहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूँ। अल्ताफ बुखारी साहब हमारे साथ थे, उसको महबूबा जी ने फिर किस तरह लेटर बना के दी कि आप जाओ गवर्नर के पास, आपको 21 एमएलएज का सपोर्ट है, आप जाओ गवर्नर के पास, हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, और बाकी भी कांग्रेस भी कर रही है, एनसी भी कर रही है। तो वो गवर्नर हाउस गया लेटर लेके, महबूबा जी ने एज पार्टी प्रेजिडेंट उसको लेटर दी, एज ए चीफ मिनिस्टर आप वहाँ पर दावा करो। तो अगर उसने पार्टी बनाई, अब उसको टैग है कि ताल्लुक रखते हैं, आपको भी पता है उस टाइम क्या हुआ, तो दो, एक तो उसकी बहू थी और दूसरी उनके घर की वो बेटी थी, उनको दोनों की डेड बॉडी मिली किसी नाले से, तो उसके बाद कौन सा बवाल उठा और 210 शायद ये यहाँ पे मारे गए। तो उस टाइम भी कत्ल गारत का बाजार गर्म हो गया और चीफ मिनिस्टर टस से मस नहीं हुआ, और उसके बाद पीडीपी की जब सरकार आई तो उसने स्कोर बढ़ा दिया, उसने 110 किया था, इसने 120 किया, और पीडीपी में ये भी ज्यादा हो गया कि 5000 लोग ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। तो और उन्हीं अंधों को फिर महबूबा जी ने, जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थी, उनको वो साइकिल दिए गए एज अपाहिज, आप अपाहिज लोग बन गए, तो वो हैंडीकैप्ड, तो उनको फिर वो एक तरीके से गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में किया, लेकिन गलत बात है, गलत हो गया, दोनों सरकारों में गलत हुआ। यहाँ पे लोगों को पता है अगर पीएजीडी बना, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन,
अगर महबूबा जी उसकी डिप्टी वाइस चेयरमैन बनी, लेकिन ये वही फारूक साहब है, ये वही उमर साहब है जिन्होंने ये गुपकार डिक्लेरेशन बनाई, जिन्होंने 2010 में अफजल गुरु को फांसी दिलवाई थी, ये वही गुपकार डिक्लेरेशन है और ये वही चेयरमैन है इसका। और महबूबा जी जब तब बोल रही थी कि ये दोनों ने इन्होंने वो किया, इन्होंने गलत किया, तब ये किस तरह पीएजीडी का की मेंबर बन गई, ये तो लोगों को पता होना चाहिए। सर बार बार जो है पीरवी की महबूबा मुफ्ती जो रेजिडेंट है उन पर टारगेट किया जा रहा है कि आपने जो 2000 में बात की जब राजनाथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जो हालात बनी थी उस टाइम उन्होंने मिठाई या जो बाकी मिठाई दूध लेने की बात की, उसके परसों जो है निशंक में भी एक बात हुई थी, उसने कहा था कि मैंने अपने बच्चों को डांटा, लेकिन खासकर उसको ये फ़र्क नहीं देखी कि कान खींचना और कान निकालने में क्या कितनी फ़र्क होती है। नहीं, उस टाइम हमने भी बोला, हमने पार्टी क़यादत को क्लियर बोला कि आपने गलत बात की है, क्योंकि कोई टॉफी लेने या दूध लेने नहीं जाता। हाँ, बच्चा जाता है बाहर, उसको वो बोलता है कुछ लेना है, बिस्किट लेना है, तो ये बात नहीं है कि वो टॉफी लेने गए या वो बाहर से कोई गोली मार देगा। मेरा भाई जाएगा, मेरा बच्चा जाएगा बाहर, उसको बाहर से गोली मार दी जाएगी तो हम कोई यहाँ पे एलजी साहब बोलेंगे कि ये टॉफी लेने गया था, ये बुलाने वाली बात नहीं है और लोग ये नहीं बोलेंगे। और आपको पता है जो यहाँ का यूथ है उसको ये मालूम है कि किसने क्या बोला था, वो इसको उजागर करते हैं हर एक फोरम में। जो यूथ है यहाँ पे, फाउंडर जो है कश्मीर का, वो यूथ ही है, क्योंकि जो गन की कल्चर की तरफ जाता है, आपको पता है वो यंग यूथ जा रहा है, 18 साल का लड़का 25 साल का लड़का, आपने कहीं देखा है कि 40 साल का कोई गन उठाने गया? बीजेपी का है, वो भी चाहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। यहाँ पे सजाद लोन साहब है, वो भी चाहता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसकी है, मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब उसके फाउंडर थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लोग दिग्गज नेता उठे हैं, तो वो भी चाहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। तो यहाँ पे शाह फैसल ने भी किया, उसको भी यही था कि मैं यंग आईएएस अफसर हूँ, मैं भी लोगों की खिदमत करूँ, मैं भी चीफ मिनिस्टर बनूँ। तो जाहिर सी बात है कोई उनको सपोर्ट करता होगा, या उनको यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो वो भी सपोर्ट कर रहे होंगे कि आप बनाओ, हम ये चेंज चाहते हैं एनसी और पीडीपी को, यहाँ पे उनका जो यहाँ पे उनकी किताब बनी है उसको हम बंद करना चाहते हैं। इमरान साहब, अगर हम कहेंगे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लोगों के साथ इस साल अभी तक हो चुका है, क्योंकि नए नए जो 370 बचाने के लिए बहुत से रंजिशें निचारी गई, उसके बाद आर्टिकल ख़त्म हुए, अब जो है गुपकार एनएस भी बने कि हम जो आर्टिकल वापस लेंगे, लेकिन आगे जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो है कैसे भरोसा इन नए जो पोलिटिकल पार्टी, नए पोलिटिकल पार्टी या पुरानी पार्टी है, यूथ कैसे भरोसा करेगी? अब यूथ को चाहिए कि वो देखे, जो उनके पास आए वो देखे पहले, सबसे पहले कि जो पिछली पार्टी, दो पार्टीज यहाँ पे थी एनसी और पीडीपी, उन्होंने यहाँ पे खाता खोला, बारी अक्सर में एमएलए उनके पास थे और कांग्रेस भी थी, लेकिन उनको पता है कि इन लोगों ने अपने दौर में जब इनको सरकार आई, जब इनके पास इक्तदार था, तो इन्होंने अपने दौर में क्या किया, और जब कुछ इंसिडेंट होता था तो ये क्या बोलते थे। तो अब उनको पता है कि अगर नया कोई आने वाला है तो उनके साथ हम किस तरह, उन पर अगर एतमाद होगा तो उनको, मुझे लगता है यहाँ के यूथ को उनको सपोर्ट देना चाहिए। अगर उनको लगता है वाकई कुछ हम नया चाहते हैं, जो पुराना है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर पार्टियाँ, जो पुराना है हम चाहते हैं कि बदल डाले, नया हो, जो जवानों की बात हो, जवानों की बात करे, और कहीं पर करप्शन ना हो, और कहीं पर नौकरियाँ ना बेची जाए, ठेके ना बेचे जाए, अगर उनको ज़ाहिर लगता है यहाँ पर ये जवानों को, तो उनको चाहे कि वो बदल डालें और आगे आए, सामने आए, और यहाँ पे इन दोनों जो खानदान है इन दोनों को चेंज किया जाए। शुक्रिया, ये हमारे साथ मौजूद थे इमरान अमीन शाह साहब। उम्मीद है कि इमरान अमीन शाह साहब जो लोगों के जो इस वक्त पास जाए, लोगों के सामने जा रहे, बातचीत करे, ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किए, तो ये लोगों के बारे में सोचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर लोगों के साथ जो है बहुत अभी तक इस्तेसाल हो चुका है। फिलहाल मुझे इमरान रशीद, एबी न्यूज़।